गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और आज का जो ये व्लॉग है ना, ये एक रिक्वेस्टेड व्लॉग है। और टाइम पहले मेरे पास इसकी रिक्वेस्ट आई थी कि आप ना साड़ी में व्लॉग शूट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ब्लैक कलर की साड़ी हो, ब्लैक कलर की साड़ी में आपने ये व्लॉग शूट करना है। तो कोशिश की है छोटी छोटी चीजें मैं आज इसमें आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। वैसे तो मैंने इससे पहले कभी भी साड़ी में घर का काम कभी नहीं किया है और ये ऐसा पहला व्लॉग है, मतलब मेरे चैनल पर खास तौर से, कि मैं साड़ी में ये शूट करने जा रही हूँ। आज का जो वीडियो है व्लॉग है और मैंने कोशिश की है कि मैं कर पाऊँ, क्योंकि साड़ी में ना मुझे घर का काम करना उतना कंफर्टेबल नहीं लगता है। हाँ, काफ़ी ऐसी जगह होती हैं या काफ़ी ऐसी फैमिलीज हैं जहाँ पर साड़ी कंपलसरी होता है पहनना, लेकिन मेरे ससुराल में ऐसा कुछ नहीं है। बट काफ़ी लोगों को बहुत अच्छा लगता है, साड़ी में एकदम कंफर्टेबल होते हैं घर का काम करने में, लेकिन मैं उतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुई इस चीज़ में। बट एक कोशिश की है, जैसा कि आपने रिक्वेस्ट किया तो मैंने आज छोटी सी कोशिश की है कि आई होप कि मैं इस आपकी रिक्वेस्ट पर खरी उतर पाऊँ। तो जैसा कि अभी आपको मेरे बाल जो है वो गीले नजर आ रहे होंगे, बस अभी मैं नहा कर आई हूँ, अभी मैं साड़ी पहनने जा रही हूँ और साड़ी पहनने के बाद मैं घर का बाकी का काम करूँगी। तो आज है फ्राइडे और बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं और रिलैक्स भी मिलेगा कि हाँ जी बच्चे स्कूल जा रहे हैं। यू नो, एक थोड़ा सा ये हो जाता है बच्चों को भी, मतलब सारा दिन घर में रह के बोर हो जाते हैं, अपने फ्रेंड्स को मिस करते हैं, अपने डेज जो होते हैं स्कूल डेज उनको मिस करते हैं। तो यस, ये थोड़ा सा उनको भी चेंज मिल जाएगा और अच्छा है जल्दी स्कूल खुल रहे हैं। वैसे तो अरमान की और मिष्टी की जो छुट्टियाँ हैं स्कूल की वो जल्दी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए जल्दी स्कूल खुल जाते हैं। तो बस कल से उनके स्कूल खुल रहे हैं और आज मुझे उनके काफ़ी सारे काम हैं और कल की स्कूल की जो तैयारी है वो भी कर रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस साड़ी में मैं घर के सारे काम कर सकूँ। तो यस, देखते हैं, चलिए। मैं साड़ी पहनकर आ चुकी हूँ और चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी मैंने यहाँ पर ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं किया है क्योंकि घर पर ही हूँ, तो मैं ज़्यादा वैसे भी हैवी मेकअप नहीं करती हूँ घर पर। लाइट सा ही मेकअप किया, लिपस्टिक लगाई है, सनस्क्रीन, कॉम्पैक्ट पाउडर और बिंदी, बस इतना सा मैंने लगाया है। तो चलिए फिर मैं घर के बाकी काम कर लेती हूँ। और बाल मैंने सुखा लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने बाल वॉश किए थे तो बाल सूख चुके हैं। और चलिए मैं फिर झाड़ू पोछा कर लेती हूँ और उसके बाद आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, तब तक आप मेरी साड़ी देख लीजिए। अब मैं यहाँ पर लगाने जा रही हूँ झाड़ू, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी, उसके बाद मैं लंच की तैयारी करूँगी, मतलब बाकी के छोटे मोटे काम भी मैं करती रहूँगी। और दिन भर में आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैं क्या क्या काम करती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि हाँ बस सारा दिन यूट्यूब पर लगी रहती है, वीडियोज़ बनाती रहती है, कुछ और काम ही नहीं है। तो देख लीजिएगा क्या क्या काम है। मेरी घर की सारी साफ सफाई हो चुकी है, जैसा कि आपने देखा मैंने झाड़ू पोछा भी कर लिया है, डस्टिंग वस्टिंग सब कुछ हो चुका है। और अभी मैं किचन में आई हूँ और मैं अभी बनाने जा रही हूँ लंच। लंच में आज बनने वाले हैं राजमा राइस। तो राज अभी सो रहे हैं, बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, मैं बस अभी उन्हें लेकर आई हूँ। राज और मैं गए थे स्कूल में उन्हें पिक करने के लिए। और बस चलिए मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ, तब तक की साड़ी है। और चलिए
कमर कस ली है काम करने के लिए। अब मैं लंच बनाने जा रही हूँ, उससे पहले मैं अपने बाल बांध लेती हूँ, बन बना लेती हूँ, और क्योंकि गर्मी बहुत है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये देखिए, ये वीबा की जो इसमें क्रीम होती है ना, तंदूरी मेयोनेज होती है, वो ये कंटेनर था। तो मैंने इसे खाली कर साफ कर इसमें लहसुन जो है वो स्टोर करके रखा हुआ है इस कंटेनर में। ये मेयोनेज की कंटेनर है, मैं इन्हें फेंकती नहीं हूँ, इन्हें इस तरीके से क्लीन करके रख लेती हूँ, और फिर जो भी मतलब मसाले वगैरह स्पाइसेस या जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं वो मैं इसमें स्टोर कर लेती हूँ। काफ़ी ठीक रहता है, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे इसमें स्टोर करना। और मैं जो है ना गार्लिक जो है ना, मैं इकट्ठे मतलब 10-15 दिनों के लिए जो है वो मैं इस तरीके से पील कर इसमें डालकर रख लेती हूँ और फ्रिज में स्टोर कर रख लेती हूँ। इससे टाइम सेविंग भी बहुत होती है। जी हाँ, समय की बचत हो जाती है, जैसे कि मेरे पास समय बहुत कम रहता है, तो लहसुन छीलने में वैसे भी बहुत समय लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से लहसुन जो है वो छील कर रख लेती हूँ, स्टोर करके फ्रिज में रख लेती हूँ। तो ये भी एक बहुत अच्छी टिप है, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हो। तो अभी आप मुझे काफ़ी देर बाद देख रहे हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। लंच भी मैंने बना दिया है, झाड़ू भी लगा दी है, पोछा भी लगा दिया है, सब काम हो चुके हैं, बस अभी खाना बाकी है। इन सब कामों में मुझे ना 2 बज गई है। जी हाँ, इन सब कामों में मुझे 2 के करीब तो बज ही गई है। और बस अभी राज भी उठने वाले हैं थोड़ी देर में, मैं अभी बस चावल बनाने बाकी हैं। चावल बनाने के बाद फिर हम खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, उसके बाद मैं बाकी के काम करूंगी। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज तक मैंने कभी भी साड़ी पहनकर तो घर का काम कभी नहीं किया है। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल इसलिए भी था क्योंकि मैंने कभी नहीं डाली है यार, मतलब कभी नहीं पहनी है साड़ी। मैं ये नहीं कहूंगी कि पार्टी वगैरह में भी मतलब बाहर नहीं पहनी है, पहनती हूँ, फेस्टिवल वगैरह होते हैं तो ऑफकोर्स पहनती हूँ, लेकिन घर के काम में इस तरीके से साड़ी पहनना मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि मैंने कभी पहनी नहीं है। लेकिन हाँ, काफ़ी ऐसी लेडीज़ को मैंने देखा है, तो हमारे यहाँ पर भी ऐसे काफ़ी रिलेटिव्स हैं, मेरी चाची लगते हैं, वो भी साड़ी पहनते हैं और वो बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं साड़ी में, एकदम रिलैक्स रहते हैं, सारा काम घर का आसानी से कर लेते हैं। मैं सच में कभी कभी इनको देखकर ना हैरान हो जाती हूँ कि चाची आप कैसे कर लेते हैं, वो भी साड़ी में घर का काम बहुत मुश्किल होता है यार। मैं आज जब खुद कर रही हूँ ना तो मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल होता है। वैसे काफ़ी लोगों को आदत हो जाती है जो डेली में पहनते हैं और घर के काम करते हैं, तो उन्हें तो आदत हो ही जाती है, लेकिन हाँ मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। और इस व्लॉग की ना एक्चुअली मेरे पास रिक्वेस्ट भी आई थी कि प्लीज़ आप ब्लैक साड़ी में घर का काम करते हुए मतलब व्लॉग बनाइएगा, वीडियो बनाइएगा, तो बस आपकी डिमांड पर ही आज मैंने ये किया है। और मैं खुद भी एक्सपीरियंस करना चाहती थी कि हाँ जी साड़ी में मैं घर का काम कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, बट हो गया है, आसानी से हो गया है, उतनी भी मुश्किल नहीं आई है। कहते हैं ना कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं होता है, और करने से सभी चीज़ें मिल जाती हैं कि नहीं, सभी चीज़ें हो जाती हैं। बहुत गर्मी लग रही है, चलिए मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, खाना खाने के बाद थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। मैं अभी आलू के पकोड़े बनाने जा रही हूँ। मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाले हैं और थोड़ा सा इसमें नमक मिर्च डाला है, सभी स्पाइसेस मैंने इसमें डाल दिए हैं, थोड़ा ऑरिगेनो डाला है, चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैं आलू और प्याज के पकोड़े बनाने जा रही हूँ। प्याज के मैं इतने ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, आलू के पकोड़े थोड़े ज़्यादा बनाऊंगी क्योंकि बच्चों को आलू के पकोड़े ज़्यादा पसंद हैं, और आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है बाहर। तो यहाँ पर मैंने आलू के पकोड़ों की तैयारी कर ली है, जैसा कि आप देख रहे हो, एक प्याज काट ली है, आलू काट लिए हैं मैंने, और ये है बेसन का बैटर। तो चलिए फटाफट से फिर आलू के पकौड़े बनाते हैं।
साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज ही के दिन मुझे मेरा ये पार्सल रिसीव हुआ है। मैंने ये बेल्ट्स मंगवाई थी, ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज की है। वैसे मैंने इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी अगर आप खरीदना चाहें तो। मेरे पास इस तरीके की बेल्ट्स ना थी नहीं, और एक वाइट कलर की थी लेकिन इस कलर की नहीं थी, तो मैंने ये तीन का कॉम्बो मंगवाया है। और एक आप देख सकते हो इस तरीके से गोल्डन कलर में बेल्ट है, ब्राउन कलर में है, और एक ये लीपर्ड प्रिंट्स में है। तो ये तीनों ही बेल्ट्स बहुत अच्छी लगी है मुझे, और इसकी साइज़ वगैरह आपको लिंक में मिल जाएगी, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी है। काफ़ी बार होता है ना कि जीन्स वगैरह पे, पैंट्स पे, मतलब बहुत अच्छी लगती हैं ये, और वैसे भी अगर आपने किसी फ्रॉक वगैरह पर पहननी हो तो अच्छी लगती है ये बेल्ट्स। तो यस, ये मैंने थ्री बेल्ट्स परचेज की थी। बहुत थकावट होगी ये सच में आज, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा है वैसे, साड़ी में भी घर का काम कर सकते हो, तो मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था और मुझे भी बहुत अच्छा लगा है आज ये आपकी रिक्वेस्ट पर व्लॉग बनाकर। आई होप दोस्तों कि आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा है। और मेरी इस मेहनत के लिए तो यार लाइक कर ही दिया करो। आई होप दोस्तों कि आपको पसंद आया हो, और आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, एमएक्स अकटक पर भी। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।